वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा सब दा प्रीत पंजाब चैनल विच। दोस्तों अज दी वीडियो विच असीं खाड़कू वेले दी एक अजिही घटना एक अजिही मीटिंग बारे तुहाडे नाल जानकारी साझी करांगे जो कि बहुत घट लोगों को पता। एक बार जून 1984 तो पहला संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त इंदिरा गांधी का एक एजेंट बन के उसका सुनेहा लैके संतों को आया सी। की गलबात हुई उस मुलाकात में अते फिर संतों ने कैप्टन नू की जवाब दिता, सारा कुछ दसांगे तुहानू अज दी इस वीडियो में। सो कृपा करके वीडियो अखीर तक जरूर सुनियो ते अगे शेयर जरूर कर दिओ। दोस्तों ये दिसंबर 1982 की अत की सर्दी की रात सी जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने छोटे भरा मालविंदर नूं जितना जल्दी संभव हो सके उन्नी जल्दी मोती महल आने लई कहा। कैप्टन ने अपने भरा नूं बिना किसी देरी तो आने लई हुक्म किया अते नाल दो कु पिस्तौल लियाउण लई भी कहा। घबराया होया मालविंदर तेजी नाल चल पिया। उन्हें जल्दी नाल अपने ड्राइवर साधु सिंह नूं बुलाया, कुछ होर असले दे नाल दो पिस्तौल भी कैरी कर लै अते अपनी फीएट कार विच बैठ के अपने भरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहायश वल चल पिया। उसने अपने भरा नूं पुछया कि असी कित्थे जा रहे हां। अगों कैप्टन बोलदा कि आपां भिंडरांवाले नूं मिल जा रहे हां। यह सुन के मालविंदर थोड़ा सदमे विच आ गया क्योंकि यह वो समा सी जदों संत भिंडरांवाले दा हुक्म पंजाब सरकार तों वी वध चलदा सी। उस वक्त भारत की कांग्रेस नूं जदों यह गल साफ पता चल गई कि संतां नाल गलबात कीते तो बगैर पंजाब विच शांति बहाल नहीं की जा सकती, इसलिए केंद्र ने दिसंबर की हड कबाऊ रात में कैप्टन अमरिंदर नूं पिंड रोडे के उच्चे नीवे रस्तियां ते कार विच सवार होके जाना बड़ा जरूरी हो गया सी। इंदिरा गांधी ने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं संत भिंडरांवाले नाल पिछले दरवाजे राही गलबात करन दा हुक्म दिता सी। इस तो अगे नवंबर 1982 कैप्टन अमरिंदर ने अकालियों नाल गुप्त गलबात भी शुरू कर दिती सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों नवी दिल्ली के संसदी भवन के सेंटर हाल में खड़ा सी जदों उसनू इंदिरा गांधी के एक सकत्तर ने सुनेहा लाया कि इंदिरा उसनू जल्द तो जल्द मिलना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दसदा कि जदों ही मैं इंदिरा गांधी नू मिलिया तो उसने अगू पहला प्रश्न ये पूछया कि मैं संत भिंडरांवाले नू जानदा हाँ। कैप्टन पहला कदे भी संतों को नहीं मिलिया सी जिस करके उसने ना कर विच उत्तर दिता। अगों इंदिरा गांधी बोली कि यह किंज हो सकता है, तुसी उन्हां नू ना जानते हो। अगों कैप्टन अमरिंदर बोलिया कि मैडम जरूरी नहीं कि दो सिद्धू बराड एक दूजे नू जानते ही होण, पर फिर भी तुसी चाहते हो तो मैं उन्हां नाल संपर्क कर लवांगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संतों नाल मुलाकात करने लई फॉरन लैफ्टीनेंट कर्नल जगिंदर सिंह मान नाल गलबात की। जगिंदर सिंह मान उस वक्त पंजाब के विधानसभा के स्पीकर सरदार सिमरजीत सिंह मान के पिता सन। सिमरजीत सिंह मान नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की साली व्याही हुई सी। छोटा मान संतों का एक बड़ा कट्टर प्रशंसक सी क्योंकि वो संतों के रिहायशी जिले फरीदकोट में बतौर SSP वजो तैनात रह चुका सी। इसलिए संस्था नाल मीटिंग तय करनी सिमरजीत मान अते उसके पिता जगिंदर सिंह मान लई कोई मुश्किल काम नहीं सी। मुलाकात लई रात का समा निश्चित होया ताकि इस मीटिंग नू गुप्त रख्या जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह की फीएट कार 200 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय करके निर्धारित समय उत्ते संस्था के सधारण जे घर में पहुँच चुकी सी, पर उस वक्त संत घर नहीं सन। ता संतों का एक सेवादार उन्हें एक कमरे में लै गया जिते फर्नीचर वजो वाण वाली 3 मंजिया सन। सेवादार बोलिया कि संत दूर कित बहर गए हुए हैं अते जल्दी आ जाएंगे, उन्होंने मैनू तुहाडा ध्यान रखने का कार्य बख्शा है। अज रात बहुत ठंड है इसलिए महाराजा साहब तुसी आ मंजे उत्ते पई रजाई में बैठ के आराम कर लवो। कैप्टन अमरिंदर सिंह अते मालविंदर ठंड नाल सुन्न होए पए सन ता करके उन्हें जल्दी रजाई उपर लई ते बिस्तरे विच वड़ गए। इस बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह मजाक विच दसदा कि शायद मैं दुनिया का इकलौता व्यक्ति हाँ जो संतों तो अलावा उन्होंने मंजे ते सुता होवां।
तकरीबन 2 बजे रात के संत वापस आ गए। उदों तक दोवें भरा कैप्टन अते मालविंदर सुते पए सन। मालविंदर के मोढ़े ते थपकी वजी तां उसने अपन वाहे उठ के देखिया तां सामने संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले खड़े सन। मालविंदर ने हिला के अपने भरा कैप्टन नूं जगाया। छोटी जिही सुख सात तों बाद कैप्टन अमरिंदर ने सत्ता नाल पटियाला रियासत दे गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रिश्ते नाते बारे गल छेड़ ली। मालविंदर ने अचनचेत मुद्दे तो हट के सत्ता नूं सवाल किया कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इह कित्थे लिखिआ है कि निर्दोषां नूं मारना जायज़ है, जिसका उत्तर संतां ने बड़ा सहज नाल दिता कि इह किसे ग्रंथ च नहीं लिखिआ, पर कुछ कारवाइयां हालातां अनुसार करनियां पैंदियां। संतां ने पटियाला घराणे दे वारसां नूं सही जगह दिखाई ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वल रुक करके कहा कि तुहाडा पुरखियां उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा रही है, इसलिए असी भी किसी नूं तुहाडे वल झक नहीं देवांगे। इस दौरान एक मुद्दे उत्ते बड़े जोर शोर नाल बहस हुई। उह सी पाकिस्तान वालों सिख खाड़कूवाद नूं हवा देना अते समर्थन करना। कैप्टन नूं अगों तर्क दिता कि पाकिस्तान देश विच अराजकता फैलाउण लई सिखां दा इस्तेमाल कर रहा है, उह उहनां नूं धोखा देवेगा। इस मीटिंग का दूजा मुख विशा पंजाब की खुद मुख्तियारी बारे सी, क्योंकि आनंदपुर साहब के मते का पंजाब की खुद मुख्तियारी का महत्वपूर्ण अंग सी। संयोग वश संतां ने कदे भी वक्रे राज की मंग नहीं की थी। वो तो 1973 के मते को लागू करवाने की जदोजहद कर रहे सन। संतां ने यह जरूर कहा कि जे सरकार सिखां नूं खालिस्तान देवेगी तो कदे भी इस मंग में 1947 की तरह टकराउणगे नहीं। जिस तरह 1947 सिखां ने खालिस्तान वखरा मुल्क लैण की ना कर दिती सी। तीजा मुंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह दसदा कि संतां ने इंदिरा गांधी नाल मुलाकात की गल कही, पर मुलाकात सिर्फ पंजाब की धरती ते ही होवे। अगो कैप्टन कहिंदा कि इंदिरा गांधी इदा पंजाब आके मुलाकात नहीं कर सकती। कैप्टन ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अते संतां की मुलाकात करवाउण की गल कही, पर इस तों संतां ने साफ मना कर दिता। राजीव गांधी दे पंजाब आके मुलाकात करते कैप्टन ने कहा कि वह इस बारे अपने दो स्कूल के मित्र नाल गलबात करेगा। कैप्टन खुद यह लिखता है कि संत सीधे साधे सुभा के मालक सन, वो पंजाब की शांति की बहाली लई गलबात करन लई भी तैयार सन अते गलबात राही मसले हल करन दी भी हामी भरदे सन, पर केंद्र वालों गंदी राजनीति खेती गई, क्योंकि सत्ता की वध रही लोकप्रियता केंद्र नूं रास नहीं आ रही सी। कैप्टन की पंजाब विच मुलाकात करन दी मंग राजीव गांधी ने भी मान ली सी, पर यह मुलाकात राजीव गांधी वालों मते दीआं मंगां नामंजूर करन ते नेपरे ना चढ़ सकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अते राजीव गांधी दिल्ली सफदरजंग तों पंजाब हवाई जहाज राही चलण ही वाले सन, पर उन्हां नूं वापस बुला लिया गया। इस बारे कैप्टन ने कोई होर वड्डा कारण तो नहीं दस्या, पर वो एक खदशा जरूर जाहिर करता है कि हो सकता है अजिहा इंदिरा गांधी नूं एजेंसियां ने करन लई कहा होवे। हो सकता है एजेंसियां ने इवें कहा होवे कि राजीव गांधी की जान नूं पंजाब विच खतरा है, इस लई राजीव गांधी नूं उस वक्त जहाज तो वापस हेठां उतार लिया गया। उस वक्त पंजाब विच मुख्यमंत्री दरबारा सिंह कांग्रेस की सरकार सी, ते उसने भी इंदिरा गांधी नूं अजिहा करन लई कहा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद यह स्वीकार करते हैं कि उस लई इह वड्डी नमोची सी। दूजी मुलाकात भी इस कारण करके ही नेपरे ना चढ़ सकी, पर कोई भी गलबात ना सिरे चढ़ी ते फिर होया जून 1984 सिखां दा कतलेआम। ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। सो दोस्तों, वीडियो पूरी देखण लई तुहाडा सब दा धन्नवाद। इस वीडियो संबंधी तुसी कृपा करके अपने विचार जरूर साझे करियो अते इस तरह दीआं होर वीडियो लई बरीब पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।